नमस्कार जयराम जी की दोस्तों, आज मैं आपको एक दिन में 365 दीपों का दान कैसे करते हैं वो आज मैं आपको विधि बताऊंगी। वैसे भी कार्तिक का अति पवित्र महीना चल रहा है। जिन लोगों ने भी 365 दिया नहीं जलाया है तो आपको मैं एक दिन में 365 दीपों का दीपदान कैसे करते हैं तो उसकी विधि मैं बताऊँगी। आप कार्तिक के पिछले पाँच दिनों में भी आप 165 दीयों का दान कर सकते हैं, तो वो आप एक दिन में भी कर सकते हैं और 5 दिन में भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी तीज त्यौहार में, चाहे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, किसी भी पूजा पाठ में आप 165 दिया, 365 दिया और इसी तरह सैकड़ों दिया आप जला सकती हैं। वो बहुत ही आसान विधि है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कलावा ले, मौली, जिसे मौली और कलावा कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक कलावा लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी कलावा में 3 लड़ियाँ होती, किसी कलावा में 5 लड़ियाँ हैं। जो कलावा मैंने मेरे हाथ में लिया है ना, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, तो यहाँ 5 लड़ियों का कलावा है। तो इसे हमें क्या करना है, इसी तरह आप सफ़ेद कच्चे सूत से भी आप इसका बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, आप 4 उंगलियों में इसे बांध रही हूँ। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रही 20। 20 के बाद हमें इसे रुक जाना है। तो पर इसके 20 होने के बाद हम यहाँ पर से इसे कैंची से काट देंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एक गुच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसे कैंची की सहायता से यहाँ आगे में, आगे के सिरे को हमको इसे काट देना है। तो आप यहाँ देख सकती हैं कि एक लंबा ब्रंच बनकर तैयार हो चुका है और हमने इसे 20 राउंड में इसे बनाया है। तो अब इसके बाद इसको हाफ काट देना है। तो ये कितना हुआ, ये 20 है और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 100 हो गया। और 100 को हमने इसे 2 बीच से काटा है, तो ये 200, तो ये करीब 200 दीप का धागा बनकर तैयार हो चुका है। फिर हम इसे एक पतले सूत से इसे बीच से बांध देंगे और इसका एक अच्छा सब छोटा सा गुच्छा बनाकर तैयार कर देंगे। इसी तरह आप, ये तो मैंने 200 का बनाया है, इस तरह आप 100-100 का 3 बना ले और 60 का 1 बना ले और 5 का 1 बना। इस तरह से आप 365 करके आप बना सकते हैं इसका गुच्छा और इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्रंच को हमें घी में या पूजा का तेल में भिगोकर 10 मिनट के लिए रख देना है और इसे बहुत आसानी से आप दीपदान कर सकते हैं। और ये मैं बहुत ही सरल विधि आपको बता रही हूँ, ये आपके काम को बहुत आसान कर सकता है। तो इस तरह आप ब्रंच बना के रख लें, जब भी आप फुर्सत में रहें तो आप अपने दीपदान की तैयारी कर लें। तो फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं कि 200-200 का मैंने यहाँ 2 गुच्छा बनाया है। इस तरह तो 365 से ये ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप इसे गिनकर बना सकती हैं। यहाँ पर अगेन मैंने धागा को बांधा और ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर मैंने 10 के बाद यहाँ पर कैंची से इसे कटिंग कर दी है यहाँ पर, और ये करीब 10 है और 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हुआ और 50 को हम 20 से काट देंगे तो ये 100 बन गया। तो ये करीब 100 दीपों का धागा बन चुका है। तो इस ब्रंच को हम इसी तरह तैयार करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसे बीच से आपको काट देना है और इसके बीच, इस ब्रंच के बीच से एक बार और कट लगानी है। तो ये करीब 100 दीप का धागा तैयार हो चुका है और इसे आप बीच में अगेन इसे बांध दें, इस ब्रंच को तैयार कर लें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 365 दिया का धागा तैयार कर दिया और इसे आप घी में अच्छी तरह से पिरोकर इसे आप दीपक बना सकते हैं। और आप अपने जो 5 जगह दीपदान करते हैं ना, जो घर के मंदिर में दीपदान किया जाता है, शिवालय में दान किया जाता है, आप गौशाला में दान कर सकती हैं,
आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकती हैं। और आकाश दीप का बहुत महत्व है, आकाश दीपदान का बहुत महत्व है। तो देखिए आपने, हमने यहाँ पे तीन तरह के दीपक को तैयार कर रखा है, जिसे मैं मंदिर में रखूँगी, शिवालय में रखूँगी और तुलसी पौधे के नीचे रखूँगी। तो इस तरह यहाँ पर मैं 60 का बना के दिखाती हूँ, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये हो गया। छः को हमें करने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें छः को हम इस तरह करके इसके बीच से हमें फिर से कटिंग करनी है। तो ये 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो गया, और 30 को आप बीच से काटेंगे तो ये 60 हो गया। तो ये आपके 100 के तीन ब्रांच और ये 60 के ब्रांच बन गए। इसके बाद आप 5 धागा का और ब्रांच बना लें। इस तरह के आपके पूरे एक साल की 365 दीपों का आपका ब्रांच तैयार हो जाएगा। इसे आपको कहाँ कहाँ दीप प्रज्वलित करना है, इसे आप सबसे पहले तो इसी तरह मैं आंवला दीपदान का भी वीडियो बना के दूंगी, वो भी आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से उसके धागा बना के तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉल ले ली है, बॉल में धागे को रखा है। आपके पास घी हो या पूजा का तेल हो, जो कुछ भी आपके पास हो, उसे अच्छी तरह से भिगो कर रख दे। करीब 10 से 15 मिनट तक इस जो हमने धागा बनाकर तैयार किया है उसे अच्छी तरह से घी में 10 मिनट तक डुबो कर आप रख दें, ताकि वो सारा घी उसमें समा जाए और फिर आप दीप प्रज्वलित कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित होगा। इस तरह हमें 3 या 4 दीपक में इसे बना के रख लेना है, और हमें 5 दीपक का बनाए तो बहुत ही अच्छा है। 5 दीपक आप कहाँ कहाँ प्रज्वलित करेंगे, तो आप सबसे पहले अपने घर में के पूजा घर है वहाँ आप दीप जलाएं, आंवला के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें, तुलसी के पेड़ के नीचे जलाएं, अपने किसी मंदिर और शिवालय में दीपदान करें, और आप जहाँ भी आपका जो पूजा का स्थान हो वहाँ पे आप 5 जगह आप ज़रूर दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये घी से जो मैंने धागा तैयार किया वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे अच्छी तरह से शाम में, पूजा में, संध्या काल के टाइम आप ये तीनों 365 दीपक को प्रज्वलित कर सकती हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि मैंने बहुत ही सरल तरीके से दीपदान की विधि आपको बताई। यदि आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देती रहूँगी, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।